गुड मॉर्निंग टू ऑल स्टूडेंट. आई विल टीच अबाउट एपिस्टैक्सिस. टुडे इज योर टॉपिक एपिस्टैक्सिस. तो आज हम आपको एपिस्टैक्सिस के बारे में बताएंगे. एपिस्टैक्सिस का मतलब होता है नोज ब्लीडिंग. ठीक है, सबसे पहले आपका इंट्रोडक्शन. इंट्रोडक्शन में द ब्लड वेसल्स आर अप्लाइड विथ ब्लड फ्रॉम योर कैरोटिड आर्टरी द टू मेन आर्टरी इन योर नेक विच सप्लाई द ब्लड फ्लो टू योर ब्रेन. इसमें क्या होता है कि जो हमारा ये दो ब्लड वेसल्स होते हैं, ठीक है, दो आर्टरी होते हैं, कैरोटिड आर्टरी होते हैं, जो हमारे दोनों नेक के दोनों साइड से जाते हैं ब्रेन में, ब्लड का सप्लाई करते हैं. ठीक, तो दीज डेलिकेटेड ब्लड वेसल्स आर इजली डैमेज्ड ऑन इफ दे आर नॉक्ड दे विल बिगिन ब्लीडिंग. इसमें क्या होता है कि ये अगर किसी छोटे से चोट भी वहाँ पे लगती है तो भी वो आसानी से क्रैक हो जाता है और उसकी वजह से भी ये ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है. तो इसी को क्या कहते हैं, एपिस्टैक्सिस. अब देखिए डेफिनेशन. एपिस्टैक्सिस ए हेमरेज फ्रॉम नोज इज कॉज्ड बाई द रैप्चर ऑफ टीनी वेसल्स इन द म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ एनी एरिया ऑफ द नोज. नोज जो होता है वो दोनों साइड क्या होती हैं, छोटे छोटे वेसल्स होती हैं, म्यूकस मेम्ब्रेन के साथ छोटे छोटे वेसल्स होती हैं. अगर किसी भी कारण नोज के वेसल्स में चोट लग गई तो वहाँ के वेसल्स अगर रैप्चर हो गई हैं तो क्या होता है कि वहाँ से ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है. और हाँ, अगर एक बार वेसल्स जो होती हैं अगर वो रैप्चर हो चुकी हैं तो जो मतलब कि अगर वहाँ पे घाव सूखने लगा है तो वो क्या होता है, बहुत सेंसिटिव जगह होती है, तो अगर थोड़ा सा भी अगर टच होगा तो ऑटोमेटिक फिर से ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाता है. तो इसी को कहते हैं नोज ब्लीडिंग या नोज ब्लीडिंग, इसे एपिस्टैक्सिस कहते हैं. ठीक, इसका देखिए कॉजेस क्या होता है. लोकल इन्फेक्शन के कारण होता है. अगर इन्फेक्शन के कारण मतलब इन्फेक्शन क्या है, घाव हो जाता है. घाव के कारण क्या होती है, धीरे धीरे म्यूकस मेम्ब्रेन जो होती है हमारी वो इन्फेक्टेड होने लगती है. तो जब वो इन्फेक्टेड है तो हमारे वहाँ की जो वेसल्स होती हैं वो भी इन्फेक्टेड होने लगेंगी. तो वहाँ से वो बहुत छोटी और सेंसिटिव होती हैं वेसल्स, तो इसलिए ब्लीडिंग वहाँ से फोर्सली स्टार्ट हो जाती है. फेशियल ट्रामा, अगर फेस में चोट लगने की वजह से भी ये प्रॉब्लम हो जाती है. नज़ल एंड साइनस इन्फेक्शन, नाक में या साइनस मेम्ब्रेन में अगर कोई इन्फेक्शन हो गया तो उसके कारण होता है, या फॉरेन बॉडी के अटैक के कारण होता है. नेक्स्ट है आपका रिस्क फैक्टर. रिस्क फैक्टर और कौन से कारण के वजह से होता है, जैसे लोकल इन्फेक्शन, इसमें कौन से बैक्टीरिया आते हैं, जैसे कौन सी इन्फेक्शन हो सकती है, कौन कौन से, वेस्टिबुलाइटिस हो सकता है, रिनाइटिस हो सकता है, साइनसाइटिस हो सकता है. रिनाइटिस आपको पता है जिसको जो कि जुकाम होता है उनकी वजह से, जैसे बहुत लोगों को क्या होता है कि हमेशा जुकाम रहता है कोई भी मौसम हो, कोई भी इन्वायरमेंट हो, तो इसकी वजह से भी प्रॉब्लम हो सकती है. सिस्टमिक इन्फेक्शन जैसे फीवर, मलेरिया. ठीक है, अगर सिस्टमिक मतलब ये लगातार जैसे फीवर है, मलेरिया है, तो इसकी वजह से भी प्रॉब्लम हो सकती है. और क्या है कि ड्राइंग ऑफ नज़ल म्यूकस मेम्ब्रेन, अगर नाक जो होती है वो बहुत ज़्यादा ड्राई रहती है तो वो भी क्रैक होने के वहाँ पे चांसेस रहते हैं. और नज़ल इन्हेलेशन ऑफ इनिशिएट ड्रग्स, एग्जांपल कोकीन. ये और किसके कारण, जैसे इन्हेलेशन लोग लेते हैं, इन्हेलर लोग लेते हैं, तो बहुत ज़्यादा लेने से वहाँ पे क्या होती है कि घाव जैसा बन जाता है, क्योंकि वो गर्म होता है, तो गर्म की वजह से, या केमिकल भी होता है, तो इनकी वजह से जो हमारी स्किन होती है, म्यूकस मेम्ब्रेन होती है, वो बहुत सेंसिटिव होती है. तो इसके कारण जो होता है, जो हमारा म्यूकस मेम्ब्रेन है वो बहुत ज़्यादा अफेक्ट पड़ता है उस पर, तो इसके कारण वहाँ पर रैप्चर होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, ब्लीडिंग होने का चांसेस भी रहते हैं. अब आर्टेरियल स्क्लेरोसिस, ये होता है स्क्लेरोसिस, जो मतलब हमारी जो वहाँ की वेन्स आर्टरी होती हैं वो अगर आपस में ऐंठ जाती हैं और ब्लड का जो होता है फ्लो वो अच्छे से नहीं हो पाता है, सर्कुलेशन अच्छे से नहीं हो पाता, तो इसकी वजह से भी जो हमारी आर्टरी होती है कैरोटिड आर्टरी, उसके रैप्चर होने की वजह से भी ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है. और क्या है, हाइपरटेंशन. हाइपरटेंशन में तो ये पता है जो ब्लड होता है हमारा वो बहुत फोर्सली स्टार्ट होता है, तो हाइपरटेंशन में ब्लड का जो सर्कुलेशन वो बहुत तेज़ी से होने लगता है और इसकी वजह से हमारी आर्टरी वेसल्स होती हैं वो डिसकंफर्ट हो जाती हैं, अब नॉर्मल वर्क करने लगती हैं और इसकी वजह से भी हेमरेज होने के चांसेस रहते हैं. और
जैसे क्या है कि हमारे जो टीनी छोटी छोटी वेसल्स होती हैं वो भी ब्लड का सर्कुलेशन वहाँ पे अगर नॉर्मल तरीके से होगा तब वो ज़्यादा नॉर्मली काम करेगा, लेकिन अगर फोर्सली वो तेज हो जाएगा तो वो एबनॉर्मल होने लगती हैं और इसकी वजह से जैसे कि बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाता है। नेक्स्ट है आपका ट्यूमर, जैसे साइनस और नेजोफेरिंग्स में अगर कोई गांठ हो गया है तो मतलब कि नाक के बीच में जहाँ पे हम एयर पास आउट होता है अगर उसके बीच में कोई गांठ हो गया है तो उसकी अगर वहाँ पे ब्लड का सर्कुलेशन नहीं हो पाता, कंजेशन रहता है, तो इसकी वजह से भी प्रेशर पड़ने की वजह से हमारी म्यूकस मेम्ब्रेन क्या होती है रप्चर हो जाती है, तो इसकी वजह से भी प्रॉब्लम होती है। थ्रोम्बोसाइटोपेनिया की वजह से होता है यूज ऑफ एस्पिरिन, ये एस्पिरिन जो बहुत ज़्यादा यूज करते हैं उनको ये प्रॉब्लम होती है। अब देखिए लक्षण क्या क्या दिखाई देते हैं, नज़ल ऑब्स्ट्रक्शन होते हैं और हेडेक होता है, फीवर होता है और जो होता है सीक्रेट ब्राइट रेड ब्लड ब्लड वन और बोथ नॉस्ट्रिल, इसमें क्या होता है कि दोनों नाक से या एक नाक से ब्लीडिंग होती है। एक्सटर्नल डिफॉर्मिटी जो बाहरी बाहर होता है क्या उसमें भी डिस्कम्फर्ट दिखता है, डिजीनेस होता है, बहुत ज़्यादा चक्कर आता है और पेन भी होता है, स्वेलिंग भी रहती है। इनसोमनिया, इनसोमनिया मतलब नींद में बहुत ज़्यादा नहीं आ पाता, इसलिए कि नाक में ऑब्स्ट्रक्शन रहता है और ऑक्सीजन उनके बॉडी में प्रॉपर नहीं जा पाती है, तो इसकी वजह से भी नींद आने में दिक्कत होती है। अब देखिए डायग्नोस्टिक फाइंडिंग क्या क्या डायग्नोसिस करते हैं, सबसे पहले पेशेंट का हिस्ट्री कलेक्ट करेंगे एंड फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे, सिटी स्कैन करेंगे और पैरानिजल साइनस मतलब कि नाक के हम क्या करेंगे कि जो है सिटी स्कैन करेंगे, एमआरआई करेंगे, एमआरआई ऑफ हेड, हेड का एमआरआई करेंगे, क्यों, क्योंकि जो हमारे कैरोटिड आर्टरी होती है वो ब्रेन के से ब्रेन में ब्लड का सर्कुलेशन करते हुए जाती है, इसलिए हम हेड का भी एमआरआई करेंगे। इंटरनल एंड एक्सटर्नल कैरोटिड एंजियोग्राफी, इसमें क्या करेंगे इंटरनल और एक्सटर्नल एंजियोग्राफी करते हैं, ठीक है। नजल इंडोस्कोपी करेंगे और फुल ब्लड काउंट करेंगे। मैनेजमेंट में मेडिकल मैनेजमेंट क्या है, द ब्लीडिंग साइट ऑफ इट डिटरमाइंड बाय यूजिंग ए नजल स्पेशियन पेन लाइट हेडलाइट, इसमें क्या करेंगे कि हम जहाँ से जिस साइड से ब्लड हो रहा है ब्लीडिंग हो रही है उस साइड में क्या करेंगे स्पेकुलम लगा देंगे। स्पेकुलम इसलिए लगाते हैं कि जो ब्लड ड्रेनेज हो रहा है वो उसमें आ सके। द पेशेंट साइट अप राइट विथ द हेड ट्रीटेड फॉरवर्ड टू प्रिवेंट स्वालोविंग एंड एस्पिरेशन ऑफ ब्लड, मतलब कि जिस साइड में ब्लीडिंग हो रही है उसके हम जस्ट अपोजिट साइड में पेशेंट को लेटा देंगे ताकि ब्लीडिंग ज़्यादा ना हो, ठीक है, और ब्लड को हम क्या करेंगे कि प्रिवेंट करके रखेंगे, बचा के रखेंगे। द डायरेक्ट प्रेशर इज अप्लाइड टू द साइट द कंप्रेसिंग द सॉफ्ट आउटर पोर्शन ऑफ द नोज अगेंस्ट द मिडिन सेप्टम फॉर 5 to 10 मिनट कंटिन्यूसली। अगर ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा स्टार्ट हो रहा है तो हम क्या करेंगे नाक को सामने से क्या करेंगे कि दबा देंगे प्रेशर के साथ और ताकि ब्लड वो रुक सके, और हम मैक्सिमम 5 से 10 मिनट कंटिन्यूसली दबा के रखेंगे और उसके हेड को एलिवेट करके रखेंगे, मतलब कि उसके हेड को पीछे के साइड झुका के रखेंगे। यूज ऑफ टॉपिकल कोकिन और ऑक्सीमेट्रिजिन, और हम ये ड्रग क्यों यूज करते हैं देखिएगा, कॉटन टेम्पॉन में भी यूज टू ट्राई टू स्टॉप द ब्लीडिंग। कॉटन हम लेंगे, कॉटन का बॉल्स बनाते हैं और उसको क्या करेंगे ब्लीडिंग मतलब नाक पे रख देते हैं ताकि ब्लीडिंग स्टॉप हो सके। फिर क्या करेंगे सक्शन में भी टू रिमूव एक्सेस ब्लड एंड क्लॉट फ्रॉम द नोज, और हम सक्शनिंग करेंगे इसलिए कि जो ब्लड वहाँ पे जम चुके हैं नाक के अंदर या जो ब्लड एक्स्ट्रा वहाँ पे इकट्ठा हुए हैं तो उसको हम सक्शन करके निकाल लेंगे, इसलिए कि इन्फेक्शन और ज़्यादा फैल ना सके। एंटीबायोटिक में भी गिवन टू मैनेज और प्रिवेंट इन्फेक्शन, और एंटीबायोटिक पेशेंट को देंगे इन्फेक्शन को प्रिवेंट करने के लिए। अब देखिए नर्सिंग मैनेजमेंट है, असिस्ट द जनरल कंडीशन ऑफ द पेशेंट, द नर्स मॉनिटर
the vital sign assists in the control of bleeding. Bleeding को nurse क्या करती है, control में रख करती है और उसके vital sign को maintain करती रहती है. Provide tissue and on emesis basin to allow the patient the expectorate any excess. मतलब bleeding अगर हो रही है तो हम उसके लिए बेसिन अलाउ करेंगे ताकि, और टिश्यू पेपर का यूज करेंगे ताकि जो भी ब्लीडिंग जो भी हो रहा है उसको हम ट्रेज में रख सकें, बेसिन में रख सकें. इट इज कॉमन फॉर पेशेंट टू बी एनेक्सियस इन रिस्पॉन्स टू ए नोज ब्लड. पेशेंट को, पेशेंट जो होता है कि देखेंगे कि अच्छा रिस्पॉन्स कर रहा है या नहीं, या ब्लीडिंग हो रही है तो उसको भी हम प्रिवेंट करने की कोशिश करेंगे. प्रोवाइड हेमेडिकेशन टू प्रिवेंट ड्राइंग ऑफ नजल. पेशेंट को क्या करेंगे, अगर उसकी जो होता है नाक ड्राई है तो उसको हम हमेशा ऐसा नम बना के रखेंगे, वहाँ पे ड्राई नहीं होने देंगे ताकि वो जो है कि उसका और ज़्यादा इन्फेक्शन की चांसेस ना रहे. ठीक. अब अश्योरिंग द पेशेंट इन ए काम एफिशिएंट मैनर दैट कैन बी कंट्रोल्ड कैन हेल्प रिड्यूस एंग्जाइटी. पेशेंट को अगर बहुत ज़्यादा घबराहट हो रही है, बेचैनी हो रही है तो उसको कंट्रोल करेंगे, उसको हम अच्छे इन्वायरमेंट पे रखेंगे और उसको ज़्यादा शोरगुल में नहीं रखेंगे, बात कम करेंगे उससे. ठीक है. और द नर्स इंस्ट्रक्ट द पेशेंट हाउ टू अप्लाई डायरेक्ट द प्रेशर एट नोज विद थंब द इंडेक्स फिंगर फॉर इन मिनट इज नोज ब्लीड रिकवर्स. मतलब पेशेंट, नर्स जो होती है वो पेशेंट को बता देगी अगर आपको ब्लीडिंग हो रही है तो आप जो थंब और इंडेक्स फिंगर का यूज करके आप अपनी नाकों को काफ़ी देर तक दबा सकते हैं. ठीक है. या नर्स ऐसा खुद अप्लाई कर सकती है. द नर्स इंस्ट्रक्ट द पेशेंट टू सीक मेडिकल अटेंशन इफ रिक्वायरमेंट ब्लीडिंग कैन नॉट स्टॉप. अगर नर्स के अगर पेशेंट को इंस्ट्रक्ट करेगी कि अगर आपको ब्लीडिंग हो रही है तो आप तुरंत जो है पेशेंट को, सॉरी नर्स को इन्फॉर्म करिए. ठीक. थैंक यू.